नारद जी के मन में विवाहकरण की प्रेरणा होगी और उस देखा कि राजा की लड़की का स्वयंवर था और उसमें लड़कियां अपनी मर्जी का पति अपनी इच्छा से सिलेक्ट करती थी और राजा लोग बैठ जाते थे वहाँ सामने आके। नारद जी ने विवाह कराने की सोची और फिर सोचा भी मेरा विवाह कौन करेगा, मैंने तो कचकोला कढ़ा रखा इतनी मोटी छोटी सिर पर और शकल भी ठीक को ना। तो उसने सोचा कि भगवान विष्णु से उनका स्वरूप ले लेता हूँ। एकांत में जाकर टेलीफोन किया, याद किया श्री विष्णु जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा भगवान मैंने विवाह करवाना है और आप मना मत करियो, आज पहली बार आपसे कोई वस्तु मांग रहा हूँ, मुझे आप हरि रूप चाहिए, मुझे हरि रूप चाहिए अर्थात आपका सुंदर स्वरूप मुझे दे दे। श्री विष्णु जी ने कह दिया तथास्तु। अब उसका बंदर का मुंह लग गया, बंदर का हरि माने बंदर भी होता है। अब उसने सोचा नारद जी ने कि आज तेरे सुंदर कोई नहीं सभा में, अर्जा कर बैठ गया कुर्सी पर जच के। अब वह लड़की आई वरमाला लेके, सामने देखा बालू बैठा। अब वह एक कदम पीछे से होकर आगे चली गई। नारद जी ने सोचा शायद लड़की की दृष्टि नहीं पड़ी मेरे ऊपर है। वहाँ से उठकर एक और खाली चेयर थी दूसरे तो वहाँ जा बैठा। जो वहाँ से भी लड़की आगे निकल गई, नारद जी कहने लगे भाई यह अंधी है क्या? और दूसरे तो बोला साथी ने उसको यो दिखा दिया दर्पण, अग देख अपनी शक्ल तो देख लिया, हमने डर लागे तेरे थे। तब उसने देखा जब दर्पण यानी अपनी शक्ल देखी, उसने बिना गिनती की गाली दे दी विष्णु भगवान को नारद जी ने। और उसी समय विष्णु जी आ गए और विष्णु जी के गले में वरमाला उस लड़की ने डाल दी। तब नारद जी ने विष्णु जी से कहा कि तू सचमुच धोखेबाज है, जैसे आज मैं एक औरत के वियोग में रो रहा हूँ, एक जीवन तू सारा अपनी पत्नी के वियोग में रोएगा, तुम्हारा कभी मिलन नहीं हो पाओगा। उसी श्रापवश श्री विष्णु जी श्री रामचंद्र रूप में अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्मे। युवा होते ही विवाह हुआ सीता जी के साथ, विवाह होते ही वनवास हुआ। वनवास में तुरंत ही कुछ ही वर्षों के बाद सीता जी का अपहरण हुआ और रावण के साथ युद्ध हुआ। युद्ध के बाद घर ले आए सीता जी को और एक धोबी के व्यंग से सीता जी को घर से निकाल दिया। आजीवन श्री राम और सीता जी का मिलन नहीं हुआ। पुण्यात्माओं भले ही श्री रामचंद्र जी अयोध्या का राज करते थे, लेकिन जिस व्यक्ति का परिवार कहीं हो, उसकी पत्नी कहीं, बच्चे कहीं और वो कहीं, वो सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। और अंत समय में जब उसने पता चला कि मेरे पुत्र लव और कुश यहाँ पर हैं, तो उन्होंने भी उससे नफरत होगी और उनसे बात करना पसंद नहीं किया और सीता जी भी पृथ्वी के अंदर समा गई, उसके दर्शन तक नहीं किए।